आपने अपने बचपन में या फिर कहीं भी ये तो पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर हम लोग स्पीड को एस से और डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें तो ये हम लोग सिंपलेस्ट वर्ड में लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कुछ इस तरीके से। और ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फिजिक्स का एक फार्मूला है, और यही वो फार्मूला है जिसके चलते हम ये निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा सनलाइट को हमारे अर्थ तक पहुँचने में। लेकिन हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, और इन दोनों का वैल्यू आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। और उसके बाद हम सनलाइट कितना टाइम में पहुंचता है उसको निकालेंगे। तो वेल, कुछ रिसर्चेस में ये पता चला है कि स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और ये जो कॉन्स्टेंट है वो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी जो हम लोग इतने दिनों से प्रकाश की गति बोलते हैं वो असल में 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड से दौड़ता है। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ और सन के डिस्टेंस की। सो बेसिकली जो हमारा अर्थ है जिसमें हम लोग अभी रहते हैं वो इलेप्टिकल शेप में हमारे सूरज का चक्कर लगाता है। इलेप्टिकल मतलब होता है कि परफेक्टली गोल नहीं होता है, और इसका डिस्टेंस है वो वेरी करेगा क्योंकि इलेप्टिकल का जो रेडियस होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसीलिए इसका जो डिस्टेंस है वो 147 मिलियन किलोमीटर से 152 मिलियन किलोमीटर के बीच में होता है। मतलब मान लो कि अभी ये हमारा सन है और ये जो है वो हमारे अर्थ का एक ऑर्बिट है जिसमें हमारा अर्थ है अभी, तो ये दोनों अभी अपने शॉर्टेस्ट पोजीशन में है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 147 मिलियन किलोमीटर्स है, बट जैसे जैसे अर्थ जो है वो मूव करना चालू करेगा तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है वो 152 मिलियन किलोमीटर्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स लेते हैं, जो कि 15000000 का होता है। तो हमारे पास अभी अपना मैजिकल फार्मूला है, और हमको ये पता चल गया कि स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और हमको ये भी पता चल गया कि अर्थ और सन का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स होता है। तो हम इन सभी का यूज़ करके टाइम कितना लगेगा उसे निकाल सकते हैं। तो अभी पेन पेपर ले आओ, और आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वैल्यूज़ को पुट कर देना है, फिर दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों का वैल्यू जो है वो आपस में कट जाएगा। तो हमें अपना वैल्यू 500 सेकंड्स मिल जाएगा, और अगर हम लोग इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो हमें आंसर मिल जाएगा 8.33 मिनट्स। मतलब कि सनलाइट को हमारे अर्थ तक पहुँचने में 8.5 मिनट का वक्त लगता है। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि सनलाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8.5 मिनट का वक्त लगता है। और ये वैल्यू कैसे आया ये तो आपने इस वीडियो में जान लिया, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि हमें नहीं पता है कि उनका आंसर कैसे आया है। तो आपके मन में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसे नीचे कॉमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। और क्लिक करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि मैं जब भी कोई ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, इसीलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी ये अमेजिंग नॉलेज मिल सके। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।